एक्टिविटी है बच्चों के लिए, किड्स जोन है भाई। ऐसे आप इसे स्ट्राइकर से इसको पुश करेंगे तो इसमें तो गाइस मौसम बहुत अच्छा हो गया है। मैं अभी रिजॉर्ट से बाहर निकल के आया हूँ और आप ये देखो। थैंक यू सो मच सर। नाइस टू मीट यू, टेक केयर। तो चलिए चलते हैं, वेलकम हो गए, अभी रूम में चेक इन। 401 ओके, चलिए थैंक यू। एक्सप्लोर करेंगे, ये देखो रिसेप्शन एरिया में हम हैं और ये है पूरा सा, बाबू भी हमारे पास आ गया है, बस चेंज किया। देखिएगा किस किस एमिनिटीज़ हैं धर्मशाला की प्रॉपर्टी, अपनी क्लब महिंद्रा की कैसी है, पूरा विजिट टूर आएगा उस पर। तो क्लब महिंद्रा चलते हैं, डिस्टेंस अराउंड यहाँ से 13 किलोमीटर दिखा रहा है, तो 13 किलोमीटर बाद हमारा ये रेजिडेंस आ जाएगा। तो आज पूरा विजिट करेंगे क्लब महिंद्रा को, उसकी एमिनिटीज़, होटल किस तरह पहुँच सकते हो, आपको क्या क्या मिलेगा, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कर सकते हो, पूरा ब्लॉग कम्प्लीट करेंगे। चलिए लेट्स गो, चलते हैं क्लब महिंद्रा। कांगड़ा से लगभग 5 किलोमीटर हम चल के आ गए और ये जो रूट जा रहा है ये सीधा धर्मशाला के लिए जाता है। तो लगभग 14 मिनट यहाँ से डिस्टेंस अराउंड दिखा रहा है धर्मशाला के लिए, तो वहाँ पहुँच के आपसे मुलाकात करता हूँ। और जो भी सीनिक व्यू आता है, साइड सीन्स आते हैं, मैं आपको पूरा विजिट कराऊँगा, चलिएगा। भाई कितनी बेहतरीन वाली चढ़ाई है और हम पूरा इसको टॉप अप का लाइन जाना है धर्मशाला के लिए। थोड़ी देर में अराउंड 3 किलोमीटर बाद हम आएंगे धर्मशाला में। क्या यारों के साथ हम ये देखिए, सो ब्यूटिफुल, सो नाइस, दिस इज द धर्मशाला। वी आर कमिंग इन धर्मशाला। धर्मशाला में हमारी एंट्री हो गई है और ये सिविल लाइन रोड है, इसको हम एग्जिट करते हुए आगे सीला चौक की तरफ मुड़ेंगे तो धर्मशाला प्रॉपर्टी पहुंच जाएंगे। काफ़ी बेहतरीन, यहाँ पर लोग घूमने के लिए आते हैं और ये युद्ध स्मारक है धर्मशाला का, काफ़ी टूरिस्ट यहाँ भी विजिट करते हैं, पिक्चर्स वगैरह निकालते हैं, घूमते हैं। तो बेस्ट डेस्टिनेशनों में से एक ये विजिटिंग डेस्टिनेशन ये भी माना जाता है। धर्मशाला में आपका स्वागत है। अराउंड यहाँ से 5 मिनट दिखा रहा है डिस्टेंस, 5 मिनट दिखा रहा है और 1.5 किलोमीटर है यहाँ से, अभी पहुँचने वाले हैं थोड़ी देर में। धर्मशाला में पसीना आ गया भाई। जो ये रूट है ना, ये जाता है पालमपुर और सुजानपुर वाला रूट है, जिसमें पालमपुर रहते हैं, पालमपुर रूट पर हम चलाएंगे। भैया कमी धर्मशाला के वेलकम बैक दोस्तों, अभी मैं पहुंच गया हूं क्लब महिंद्रा पे। ये है प्रॉपर्टी क्लब महिंद्रा की, ये पालमपुर रोड है जो नगरोटा के लिए और पालमपुर रोड पर जाता है। ये है क्लब महिंद्रा रिजॉर्ट इन धर्मशाला, चलिए चेक इन करते हैं इसमें। तो क्लब महिंद्रा धर्मशाला में आपका स्वागत है। आज पूरा ब्लॉग आएगा, इसका एक पर्टिकुलर मैंने ब्लॉग बनाया है और क्लब महिंद्रा का, क्योंकि ना क्वेरीज बहुत थी और मेरा भी प्लान है कि इनकी मेम्बरशिप को मैं लूँ,
तो इनकी एमिनिटी चेक करेंगे आज, पूरा देखेंगे किस तरह से है। चलिए चलते हैं रिजॉर्ट के अंदर। ये ज़्यादा बड़ी प्रॉपर्टी तो है नहीं खास, अब तो देखते हैं क्या क्या एमिनिटीज़ हैं और कैसा है ये रिजॉर्ट। वेलकम ड्रिंक्स के साथ आपका स्वागत है। थैंक यू, थैंक यू। ये है कुछ यहाँ प्यारी सी, देखिए। अच्छा बार भी है, और अभी हमारी एंट्री हो गई है सॉफ्ट, ये मैंने आइडेंटिटी कार्ड दे दी है। चलिए मेन खास बात मुझे क्या लगा, पहले ही इन्होंने हमारा बुकिंग निकाल के रखा है गाइस, तो अच्छा है। खाली ओनली सिग्नेचर किए हैं और आइडेंटिटी प्रूफ दिखाया है। और चलिए चलते हैं चेक इन करते हैं। कौन सा रूम है? 4। तो काफ़ी नीट एंड क्लीन प्रॉपर्टी है। और चलिए शुक्ला महिंद्रा के रिजॉर्ट में हाथी के साथ गेस्ट का वेलकम करते हुए। पॉजिटिव वाइब्स आती है, आप किसी ऐसी एमिनिटी में हो, किसी प्रॉपर्टी में हो, यहाँ ऐसा बहुत वेलकम हो रहा हो, तो क्लब महिंद्रा के जितने भी मेंबर्स हैं, तो आपने धर्मशाला विजिट नहीं किया है तो इस प्रॉपर्टी को विजिट जरूर कीजिएगा। आज पूरा ब्लॉग हम दिखाने वाले हैं क्लब महिंद्रा। ओके, रेस्टोरेंट एरिया अपना ये है। We have a bar as well, so you can enjoy the drinks. Okay. And here we have to press some salt. That's something different we have in Club Mehendra Dharamsala. So with that also you can book the slot. Outside for the kids, for the adult, we have a badminton court, lawn, and we have a jhula, sliding, seesaw, and we have outside fish and duck feeding. For that also you can, if you want to do the feeding, that also you can do. Okay. Yeah. Okay. चलिए चलते हैं आगे। दिस इज द स्मॉलेस्ट प्रॉपर्टी इन हिमाचल क्लस्टर एंड द फर्स्ट प्रॉपर्टी इन हिमाचल। सो हियर वी हैव 23 रूम्स। हाउ मच रूम? 23 रूम्स। 23? ओके। देयर इज नो लिफ्ट इन दिस प्रॉपर्टी? एक्चुअली दिस प्रॉपर्टी। ओके ओके। ये है भाई। ओके चलिए 401 अपने को प्रॉपर्टी का रूम मिल रहा है। ये है कुछ अपना प्यारा सा रूम। तो रूम ओके है, बढ़िया है, थोड़ा छोटा स्पेसियस कम है भाई। ये लीज प्रॉपर्टी है क्लब महिंद्रा की, इस कारण भी हो सकता है। तो 25 रूमों की ये प्रॉपर्टी। ओके ये देखिए बहुत ही अच्छा वेलकम। चलो थैंक यू भाई। या अबाउट द रूम सर, मैं आपको द रूम के बारे में बता जी जी। सो फॉर द डिसेंट वी हैव अ सेपरेट मोड एंड वी हैव एसी आल्सो, सो यू कैन यूज दैट आल्सो। एंड फॉर इफ यू नीड एनी असिस्टेंस यू कैन कॉल अस नंबर 9 एंड द रूम सर्विस 131, हाउसकीपिंग इज 141 एंड द फ्लक्स वी हैव अ ड्रिंकिंग वाटर, सो यू कैन यूज दैट। We have a menu also, so you can order whatever you want. Yeah. And we have a tea kettles and the refrigerator, that also you can use. And in the washroom, so we have a separate switch for the geyser. Okay. So before taking the shower, you have to switch on. And then we have almira, we have a locker, so you can keep your valuable things. Okay, yeah, this is wardrobe. आप यूज कर सकते हैं। वो वॉशरूम देखिए नीट एंड क्लीन है, आप शावर भी ले सकते हैं, गीजर ऑल्सो है, हेयर ड्रायर वगैरह लगा हुआ है। तो अच्छी एमिनिटीज़ के साथ ये प्रॉपर्टी आज 2 दिन के लिए हम स्टे करने वाले हैं क्लब महिंद्रा धर्मशाला में। तो गाइस आ गए अभी क्लब महिंद्रा प्रॉपर्टी में, और आप ये देखिए ये है रूम। आपको मैंने वॉशरूम वगैरह दिखा दिया, ये सब कुछ दिखा दिया। पानी है भैया? चलिए ठीक है, ये देख सकते हैं और मिरर वगैरह है, आपको वॉशरूम शॉवर सब कुछ आप ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। तो भाई फैन मिल जाएगा आपको, एसी मिल जाएगा, टीवी मिल जाएगा आपको, इलेक्ट्रिक केटल मिल जाएगा, कॉफ़ी टी कुछ भी करना है आपको, स्मॉल फ्रिज भी मिल जाएगा। तो 2 सोफे मिल जाएंगे, टेबल है, वाटर के लिए है, आप वेलकमिंग हुई है बहुत अच्छा। बात दिखा देता हूँ भाई, आप व्यू देखिए। तो होटल से अपना ये व्यू आ रहा है, ये प्रॉपर्टी अपनी, और ये देखिए बहुत ही शानदार, अच्छा लग रहा है। धर्मशाला
क्लब महिंद्रा धर्मशाला का आपको देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है। चलिए चलते हैं गाइस। देखिए बारिश कितनी बेहतरीन वाली हो रही है, बिल्कुल खड़ी बारिश हो रही है भाई, मज़ा ही आ गया। ये मैं अपने होटल के विंडो से आपको ये लाइव कितना प्यारा लग रहा है ना, रेनफॉल बहुत तेज हो रहा है भाई। व्यू बेहतरीन वाला मौसम हुआ भाई। ये अपनी जो पीछे प्रॉपर्टी है वही है क्लब महिंद्रा प्रॉपर्टी। चलिए कुछ मार्केट से कुछ सामान लेना था मुझे तो मैं निकल के आया हूँ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और हम नीचे जा रहे हैं रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट करने के लिए। चलिए चलते हैं। और आज छोटा बाबू भी हमारे साथ, ये कह रहा है चलो खाना खाते हैं। खाना खाओगे? कितना खाओगे? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। चलिए गाइस, अच्छा लग रहा है ना ऊपर से देखने। चलिए आइए गाइस, सुबह के 10 बज गए, अभी हम ब्रेकफास्ट करने के लिए इनसे आ गए। अब देखिए इनका है ये यहाँ पे जो ब्रेकफास्ट लगता है इस तरह से कंडीशन में है। चलिए देखते हैं क्या क्या बना है आज ब्रेकफास्ट। नमस्ते, कैसे हैं? आज का क्या क्या मेन्यू रहने वाला है आइए थोड़ा दिखा दीजिए। अच्छा इधर सांभर हो जाएगा, कट्स हो जाएंगे, दही हो जाएगा, चटनी वगैरह, इडली भी है, छोले भटूरे हैं, मिक्स पराठा भी मिल जाएगा, आलू बोंडा और फ्रेंच टोस्ट भी मिल जाएगा। वाह वाह वाह। और पोहा है, बटर कॉर्नफ्लेक्स के साथ मिल जाएगा। ये कौन सा खीर है? साबूदाना खीर है। और इधर बॉयल्ड एग भी मिल जाएगा। तो ये है कुछ आज का मेन्यू, टोस्ट वगैरह भी मिल जाएगा, टी कॉफ़ी वो मिलेगा सर। टी कॉफी में लाइव में क्या है? लाइव में ऑमलेट है और डोसा वगैरह, डोसा और ऑमलेट। चलिए चलिए इंजॉय करते हैं। और ये है इनका रेस्टोरेंट एरिया, ये है क्लब महिंद्रा धर्मशाला का एक्सक्लूसिव रेस्टोरेंट से आपको ब्लॉग। चलिए मिलते हैं, इसको एंजॉय करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। ये रेस्टोरेंट एरिया से ही आप पास आउट करके इधर बाहर निकल सकते हैं, ये ओपन एरिया हो गया। यहाँ आप एक्टिविटीज़ वगैरह भी होती हैं इनकी, और जो लाइव परफॉर्मेंस वगैरह होती है वो बॉलीवुड डांस वगैरह की यहाँ पर ये एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं। ये ओपन एरिया टेनिस कोर्ट वगैरह और बच्चों की एक्टिविटी के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं यहाँ। देखिए गाइस यहाँ बच्चों के लिए स्लाइडर वगैरह झूले भी पड़े हुए हैं, आप चिल कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। और आगे चलते हैं, ये पीछे से बैकग्राउंड प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं क्लब महिंद्रा की। चलिए ये इनका गार्डन एरिया है। तो ये प्रॉपर्टी का पूरा मैंने आपको दिखा दिया है। रात को यहाँ लाइव शो वगैरह होगा, डांस एक्टिविटीज़ वगैरह होंगी, तो उसमें आपको एंजॉय कराएंगे। चलिए अभी चलते हैं। और धर्मशाला में आज धर्मशाला का जो गोल है, एज इट इज़ गोल है ना ये, इसमें देखो ये गोल हो गया। शेखर बाबू हार गए, अब दोबारा से इसको हिट किया जाएगा। अरे गुड शेखु, गुड। हाँ साउट करके बाहर जाना है, ये एज ए जैसे हम लोग फुटबॉल खेलते हैं ना वही गेम है। आपका रेड है तो सामने वाले का ब्लू होगा, तो इसको पुशअप करके इस बॉल से रोकना है, इसको गोल नहीं होने देना है। एज ए फुटबॉल हम लोग खेलते हैं वही एक्टिविटी है। ये कैरम वगैरह भी आप खेल सकते हैं, तो भाई कैरम भी खेल रहा है। ओ
अरे शिकू बाबू ने भी मार दिया, अरे वाह, लो करो करो, मारो मारो मारो, अरे वाह, तो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं हूं अभी डिनर एरिया में, ये अपना डाइनिंग और रेस्टोरेंट एरिया है और रात के बज रहे हैं 9:30। तो हम अभी मीनू देखने आए हैं और डिनर को एंजॉय करेंगे आज। और आपको मैं दिखा देता हूं धर्मशाला का आज का मीनू क्या क्या होने वाला है। तो हमारे साथ भाई हमें डिस्क्राइब करेंगे और डिस्क्रिप्शन में बताएँगे क्या क्या मीनू है आज का। तो चलिए आज देखते हैं क्या क्या एमिनिटीज़ के साथ आज का फूड इंजॉय करेंगे हम लोग। चलिए चलते हैं, ठीक है, निकल जाते हैं। तो हम भैया से पूछते हैं, आपने जनरली भैया क्या क्या रहता है अपने बुफे में नाइट में? सर हमारे यहाँ सूप रहता है, स्टार्टर रहते हैं, वेज नॉन वेज दोनों। अच्छा, सैलेड रहता है जी, मेन कोर्स रहता है। ओके, जोर से बोलो जी जी। तो हमारा वेज हॉट एंड सोर सूप है सर। अच्छा अच्छा, डिनर रहता रहता है, कर्ड रहता है। ओके, मेन कोर्स में स्टीम राइस है, पीस फ्लो है, दाल तड़का है सर, पनीर बटर मसाला है। ओके, और सर सब्जी हरियाली है सर, कढ़ाई मशरूम है सर, हींग जीरा आलू है सर, वेज चाउमीन है मतलब जनरली 4 से 5 सब्जियां वेजिटेबल और दाल के साथ रहता है जी जी बिल्कुल। और ब्रेड्स में क्या रहता है? ब्रेड्स में तंदूरी रोटी रहती है, लच्छा पराठा रहता है, नान रहता है, मिस्सी रोटी रहती है, गार्लिक नान रहते हैं, मतलब जो भी गेस्ट एंजॉय करना चाहे उसको कर सकता है जी जी बिल्कुल सर। ओके, और भैया स्वीट्स में क्या रखते हैं? स्वीट में हमारी 4 डिशेज रहती है सर जी, एक फ्रूट कस्टर्ड पेस्ट्री है, छोटे मोस है, राइस खीर है सर। ओके जी, ये जनरली रहता है लगभग, है ना? तो भैया आप क्लब महिंद्रा प्रॉपर्टी में स्टे करना चाहते हैं, आप मेंबर हैं या नॉन मेंबर हैं, आप इंजॉय कर सकते हैं और इनकी वेबसाइट ऑनलाइन पे जाके अपनी प्रॉपर्टी को बुक भी कर सकते हैं। बहुत ही डिसेंट और बहुत ही प्रीमियम लोकेशन पे इनका ये रिजॉर्ट है और आप क्लब महिंद्रा धर्मशाला को इंजॉय कर सकते हो, स्टे कर सकते हो। ये प्रॉपर्टी काफ़ी अच्छी, नीट एंड क्लीन, मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे अच्छी निकली है, बट इनकी लीज प्रॉपर्टी के कारण भी बहुत अच्छा मेंटेन कर रखा है इन लोगों ने। चलिए भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी जी, आपने हमें समय निकाला और अपने मेन्यू के बारे में बताइए। चलो थैंक यू सो मच, चलो हैव ए टेक केयर। तो भाई अभी डिनर है हमारा, दाल मंगा लिया है हमने और सैलेड्स वगैरह हो गया है, ये वेज पुलाव मंगा लिया है, ये स्टफ नान मंगा लिए हैं और मिस्सी रोटी आ भी रही हैं और बाबू हमारे खाना खा रहे हैं। अभी शाम के हो रहे हैं, रात के हो रहे हैं 8:30 और इंजॉय करते हुए खाने को। हाँ बाबू क्या हाल है, खाना खा रहे हो? चलो चलिए एंजॉय करते हैं खाने को, फिर आपसे मिलते हैं। हमारा सेकंड डे का अभी हमने ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लिया है और काफ़ी डिलीशियस, बहुत प्यारा ब्रेकफास्ट रहा आज। अभी हमने मसाला डोसा वगैरह लिया था, ऑमलेट भी लिया था और उत्तपम वगैरह, इडली सांभर पराठा, काफ़ी लेंदी इनका मेनू रहता है। तो बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही अच्छा लगा क्लब महिंद्रा प्रॉपर्टी धर्मशाला में रुककर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जरूर आएंगी। आज मेरा चेकआउट है और हम चलेंगे आज यहाँ से, इस धर्मशाला क्लब महिंद्रा रिजॉर्ट से विदाई लेंगे। जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड लव यू।